हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और आज भी कल की तरह ही बहुत ज़्यादा धुंध है और ठंडा भी काफ़ी है। दोस्तों देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों अभी आ गया हूँ इधर घूमने, तो अभी थोड़ा सा और घूमते हैं, आगे तक चलते हैं और उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करके फिर यहाँ से घर पर चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे एक्सरसाइज करते हैं। थोड़ा सा ही एक्सरसाइज किया, पूरी तरह से गर्मी आ गया। तो चलिए दोस्तों अब एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लिए हैं और चलते हैं दोस्तों घर पे। ले लेते हैं गमछा चादर, क्योंकि थोड़ा सा ही एक्सरसाइज किया हूँ दोस्तों, तो दम फूल गया है। और दम तो फूला है, गर्मी आ गया है, सारा कुछ निकाल दिया। चलिए चलते हैं घर पे। दोस्तों अभी टाइम 9:30 होने वाला है और अभी किताब मैं पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ा हूँ, माल तो सरिया हुआ था। अभी गाड़ी निकाल लिया है तो अभी चलते हैं। और आज का मौसम देख सकते हैं, आज धुंध ही लगा हुआ है अभी तक, ठंडा मौसम है। तो चलते हैं अभी इस कपड़ा को, माल को लोड करते हैं। पहले तो इस पर बोरा बिछाना होगा, ये वाला बोरा को जो है ना उस कैरेट पे क्लियर पे, गाड़ी के क्लियर पर बोरा रखना होगा, क्योंकि इससे ढक ढुक नहीं होता है, आराम से बैठ जाता है। तो बोरा रख लिए दोस्तों गाड़ी पे, अब कैरेट को रखते हैं। तो अभी सारे माल को लोड कर लिया अभी। तो दोस्तों अभी टाइम 10:30 हो गया है और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ। और दोस्तों बोहनी भी हो गया है, 20 रुपया उधारी सा वही मिला है, उधारी से आज बोहनी हुआ है। और चलते हैं, देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा रहता है, कितना का सेल हो पाता है पूरे दिन में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। और धूप भी दोस्तों निकल चुका है, अभी 10:30 हो रहा है, तो इस समय निकला है अभी। चलते हैं एक दो गाँव में घूम करके फिर मिलते हैं। तो लगभग छोटा छोटा दो गांव घूम लिया और अभी कुछ पूछा भी नहीं है, कोई ग्राहक कस्टमर रोका भी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। अब तीसरा गांव में प्रवेश कर रहे हैं, इस गांव में देखते हैं कितना का सेल होता है कि नहीं होता है। एक गांव घूम करके फिर मिलते हैं। यहाँ पे बंडी कच्चा उच्छा सब लेकर के बच्चे का, छोट बच्चे का 120 रुपये का सेल हुआ है। तो अभी यहाँ से चलते हैं अगले गाँव की तरफ, अभी घूमते हैं, इस गाँव में अभी घूमना है तो घूम लेते हैं उसके बाद में। फाइनली दोस्तों हमने ये पूरा गांव घूम लिया, लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा समय लगा है और सेल लगभग 450-350 के आसपास तक सेल हुआ है, 350। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं अगले गांव की तरफ, टाइम अभी 12:15 हो रहा है। इसम का व्यू इस तरह का है, देख सकते हैं मौसम धूप हो गया है और गर्मी भी है धूप में। तो चलते हैं दोस्तों घूमते हैं। अगला गाँव दोस्तों ननकार सिमरदा है, जो कि सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। और दो गांव है ननकार सिमरदा, दोनों सटे सटे हैं। तो ये दोनों गांव घूमते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों, कितना का सेल होता है कि नहीं होता है, तो आप लोगों से फिर मिलते हैं और बताते हैं कि कितना का सेल हुआ है इस गांव में। फाइनली दोस्तों ये दोनों गांव घूम लिया, ननकार और सिमरदा। और इस दोनों गाँव में लगभग 250 के आसपास टोटल उधारी है, 4-5 आदमी का मिला करके, लेकिन कोई नहीं मिला है, खाली 200 का प्लाजो सेम सेलिंग हुआ है बस। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं अगले गांव की तरफ, टाइम ज़्यादा लग गया है उधार मांगने के चक्कर में। 1:15 हो रहा है अभी, 1.25 घंटा समय इस गांव में लगा है, लेकिन 200 का सेलिंग हुआ है, 205 रुपये का बस, उधार भी नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं अगले गाँव की तरफ, घूमते हैं। अगला गाँव नारहा बहलगामा है।
दोस्तों अभी नरहा गांव में ही घूम रहा हूँ, तो अभी इस गांव में सेल ठीक ठाक हुआ है, लगभग 550-600 के आसपास सेल हुआ है। और एक ओढ़नी कितना थोड़ा सा फटा हुआ था, कितना स्टॉल में है, स्टॉल पतला वाला स्टॉल है, एक दो स्टॉल है उसमें, तो वो खरीदारी लगभग 60 रुपये है और वो 100 रुपये बिकता है। लेकिन थोड़ा सा फटा हुआ है, इसके वजह से जो है ना उसको मैं 70 तक, एक कस्टमर को 70 तक देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो 50 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था, फटा हुआ था इसके वजह से। लेकिन जैसे ही दूसरे गली में, इसी गांव में दूसरे गली में गया हूँ, तो 70 में दे रहा था तो नहीं ले रहा था, 50 में मांग रहा था, लेकिन फिर 80 में जाके वो बिक्री हुआ है। तो ये होता है मतलब कि अगर ख़राब है या कुछ भी है तो जल्दी से अगुता करके जो है ना, नहीं होता है कि नहीं बिक्री होता रहता है तो कम में ही बेच देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा और के जो है ना बेचना है, और पूरा कॉन्फिडेंस रहना है कि हमको इतना ही में बेचना है, फिर अच्छा सेल होगा। नहीं तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम हुआ, अगर जल्दी अगुता गए काम पर या कपड़ा बेचने में, तो फिर घाटा लग सकता है। तो अगर मैं उसी समय अगर उसको दे दिया रहता तो 10-10 रुपया घाटा होता, लेकिन उसको और के बेचा हूँ तो 20 रुपया मुनाफा हुआ है। तो ये होता है दोस्तों, अगर थोड़ा सा और के बेचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा फेरी वाला है, मोल भाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर और के नहीं बेचिएगा, कॉन्फिडेंस अगर कम हो जाएगा तो फिर घाटा लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, फिलहाल इस गांव में सेल ठीक ठाक हुआ है, चलते हैं घूमते हुए, अभी थोड़ा सा और घूमना है, उसके बाद चलते हैं फिर बहलगामा के। टाइम अभी हो गया लगभग 4:15 और बहलगामा में लगभग 200 का सेलिंग हुआ, एक लुंगी और एक प्लाजो। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घूमते हैं, घूमते हुए अगले गांव की तरफ, अगला गांव पहले तो चलेंगे नाश्ता करेंगे, उसके बाद में अभी बहलगामा में थोड़ा सा और घूमना है, उसके बाद में नाश्ता करेंगे। तो ये घूम लेते, देखते कितना का सेलिंग होता है, ये वो टोला और है लेकर। फाइनली दोस्तों जो टोला बाकी था बहलगामा में वो घूम लिए, और दोस्तों ये बहलगामा चौक है, और इधर देख सकते हैं ये ग्राउंड है मैच उच खेलने वाला, और इस साइड में जो है ना हाई स्कूल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहलगामा बस स्टॉप है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, बहलगामा जो घूमे ना इस टोला में नहीं बिक्री हुआ, तो अभी चलते हैं, अभी नाश्ता करते हैं थोड़ा सा आगे। अभी नाश्ता किया हूँ, और लिट्टी कैसे दे छा? 7 रुपये पीस। तो दोस्तों 7 रुपये पीस लिट्टी है, तो नाश्ता 3 पीस के हैं। अभी चलते हैं दोस्तों घर पे, और देख सकते हैं खाली यहाँ पे लिट्टी ही बनता है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा था। जब भी मैं इधर आता हूँ बहलगामा की तरफ तो इधर ही नाश्ता करते हैं, तो चलिए अभी नाश्ता कर लिए, निकलते हैं। टाइम दोस्तों इधर हमारा गाड़ी लगा हुआ है, देख सकते हो साइड में, तो चलते हैं अभी पेट्रोल डलाएंगे, उसके बाद में घर की तरफ। तो पेट्रोल भी डला लिए और चलते हैं हम सीधे घर की तरफ, क्योंकि टाइम दोस्तों हो गया है लगभग कितना 5 बज गया है, तो आधा घंटा समय है अभी, और चलते चलते पहले तो उधार है, एक बाकी तो उधार है, वहाँ पे चलते हैं देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता है। दोस्तों उधारी वाला पैसा मिला भी नहीं है, और अभी आ गया हूँ, थोड़ा सब्जी लेना है तो बाज़ार में, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा सब्जी लेते हैं। तीन किलो हो गया, हो हल्दी कैसे, हल्दी 35 रुपये पौआ, एक पौआ दे दो, ठीक है बढ़िया है ना, चलो फिर आए तो बढ़िया दे तो फिर ले जाए, ना होते तो ना लाए, आएम तो फिर ना ले के? Thank you.
हाला खुला ना है, पाँच को दे दे छियो, खुला पाँच को दे दे छियो। सब्जी ले लिया और चलते हैं, गाड़ी वो साइड में लगा हुआ है, घर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, रख लिए हैं इसी में अंदर से, को भी जगह तो नहीं था लेकिन फिर भी रख लिया उसी में। तो चलते हैं घर, और आज सेल की बात करते हैं दोस्तों, आज ना ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है, मीडियम में हुआ है दोस्तों। 1,550 का सेल हुआ है, टोटल गिनती कर लिया हूँ और सेलिंग तो ठीक ही हुआ है, लगभग 450 तक दिहाड़ी बना होगा। लेकिन दोस्तों ये बात यही है कि बहुत ही कम सेल हुआ है, कम तो मिला जुला कर ठीक है, लेकिन कम से कम 2,250 से ऊपर होना चाहिए तब अच्छा है, जब बाइक से कर रहे हैं तो, क्योंकि पेट्रोल भी जल रहा है। दोस्तों कैसे तो 200 रुपया खर्चा हो गया, 120 रुपये पेट्रोल, 20 रुपये नाश्ता और 60-65 रुपये का सब्जी, यानी 205 रुपये आज खर्चा हो गया। तो जब गाड़ी से जब कर रहे हैं तो कम से कम 2500 प्लस का सेल होना चाहिए, तो 500 रुपये बचेगा, और 1500 होबे किया है तो इसमें तो लगभग 450 कमाइया हुआ, 200 रुपया खर्चे हो गया और 250 रुपया बचा। तो जब गाड़ी से जब कर रहे हैं तो इतना सेल करने से नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक।